कार्स। आज जैसे कि आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, आज मैं बात करूंगा अपनी फोक्सवैगन विंटो की एंटी पिंच पावर विंडोज़ के बारे में। जो एंटी पिंच है, पावर विंडोज़ है, वो ड्राइवर साइड भी आती है, को ड्राइवर साइड भी आती है, सॉरी को पैसेंजर साइड भी आती है, और ये में भी सब आती है। लेकिन अब जो है इसका कंट्रोल कुछ ऐसा नहीं है कि आप तब तक यहाँ से अप्रोच नहीं करेंगे तभी, यो आप यहाँ चाहे तो इस साइड से करिए, चाहे तो पीछे से करिए, कहीं से भी करिए, आपका वन टच अप डाउन रहेगा। देख सकते हो मैं अभी वन टाइम बटन दबाऊंगा, ये अपनी पूरी रोल डाउन हो जाएगी, वन टच अप करूंगा, ये पूरी अपनी लॉक हो जाएगी। लेकिन इसको भी ओपन कर लेते हैं, अभी मैं इसको पुश करता हूँ तो वाली भी हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि यहाँ से नहीं हो सकती खाली ऐसे, यहाँ भी से भी हो सकती है, ये देख सकते हैं आप लोग। यहीं से हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअली ये बटन थोड़ा पानी चला गया तो खराब सा हो गया, तो इसलिए ठीक से नहीं हो रहा, और पीछे में भी आपके हो जाता है सब। अब गाइस हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एंटी पिंच पावर विंडोज आखिर कैसे करती है। तो ये फीचर भी आपके फोर्थ साइड है सारी विंडोज़ में देखिएगा। मैं इसको अब करता हूँ तो मान लीजिए मेरा यहाँ पे हाथ आ गया तो अपना दोबारा से पीछे नीचे आ जाएगी, ये होता है। मैं दोबारा से आपको एक बार ज़रूर करके दिखाता हूँ, ये देखिए वापस नीचे आ गई। ये पूरी नहीं होती, खाली अगर आपको कुछ है पड़ता है तो आधी हो जाती है। यही चीज़ अगर मैं इस साइड करके आपको दिखाऊं ये देखिएगा, फिलहाल मैंने रोल ऑफ करी, ये होता है आपके हर एक पावर विंडोज में, पीछे में भी है। मैंने एक्चुअली पीछे में एक चीज़ नहीं दिखाई थी, तो कम से कम यह तो दिखाई दूँ वरना कई लोग एक ही निकलेंगे। अभी जैसे कि मैं आता हूँ यहाँ, मैं ये खोलता हूँ और ये वाली जो वन टच विंडो है इसको डाउन पूरा कर देता हूँ। अभी तो ये हाफ जाती, पूरी नहीं जाती, और मैं पीछे ही से जो है पावर विंडो को चढ़ा देता हूँ। ये पूरी वापस वापस नीचे आ गई, ये पूरी चली जाती है, ये उतनी ही जाती है जितनी यहाँ तक जाती है। ये देख सकते हो यहाँ मुक्का लगाता हूँ अपना, मतलब सॉरी हाथ, ये बस इतनी जाएगी, जितनी ही जाती उतनी ही जाती है। देखिए अगर आज की वीडियो पसंद आई तो थैंक यू सो मच।